जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत और मुक्तदिर हलकों पर जोर दिया है कि कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों के हक के खुदरादियत के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी और रियासती पॉलिसी मुरतब की जाए, जिसमें मकबूजा कश्मीर को भारत के शिकंजे से निकालने के लिए ठोस और अमली इकदाम और रोड मैप तय किया जाए। आज तो हम देखते हैं मुस्लिम लीग की अपनी पॉलिसी, पीटीआई की अपनी पॉलिसी, परवेज मुशर्रफ की अपनी पॉलिसी, पीपल पार्टी की अपनी पॉलिसी और हर हुकूमत के अपने तरजीहात है। और आज मैं इस हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि 6 महीने गुजर गए, 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अफसोस की बात है कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर कमेटी का न सिर्फ इजलास नहीं बुलाया, बल्कि अब तक कश्मीर कमेटी के हवाले से किसी फर्द की तकर्री भी नहीं की। और आज 6 महीने गुजर गए, कोई कश्मीर कमेटी नहीं है। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए एक नायब वजीर खारजा मुकर्रर किया जाए और दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में अलहदा से कश्मीर डेस्क कायम की जाए। इनके जरिए मकबूजा कश्मीर में भारत की गासिब अफवाज के मुजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को नुमाया किया जाए और भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब किया जाए। कश्मीरी कौम 71 सालों से लड़ रही है, मर रही है। 7 लाख से ज्यादा इंडियन आर्मी, 11 कश्मीरियों के ऊपर 1 फौजी मुसल्लत है। हर मस्जिद के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर फौजी जत्ते मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चियां दिन को पढ़ती है और जब छुट्टी के बाद स्कूल से निकलती है तो पाकिस्तान हमारा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। हाफिज नईम रहमान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 70 साल से जायद अरसा गुजर चुका, लेकिन कश्मीरी आवाम आज तक भारतीय मुजालिम के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर में कश्मीरी आवाम पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए पाकिस्तान के परचम लेकर आज़ादी मनाते हैं। 14 अगस्त श्रीनगर और बारामूला में मनाई जाती है, अनंतनाग इस्लामाबाद में मनाई जाती है, कुपवाड़ा में मनाई जाती है कि जिसमें हमारे जवान पाकिस्तान का परचम लेकर जब सड़क पर निकलते हैं तो भारतीय फौज उन पर गोलियां बरसाती है। वो परचम को सरनिगुन नहीं होने देते, वो पाकिस्तान से मोहब्बत के इस परचम को उठाते हुए इस बात का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी ऐसी है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, और इस जज्बे से वो मामूर होते हैं। आजाद कश्मीर भी हमने बजोर शमशीर हासिल किया था और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर भी हम बजोर शमशीर ही हासिल करेंगे। 70 साल से अक़्वामे मुत्तहिदा में करारदाद मौजूद है, हक़ खुद्दारियत इरादियत उनको नहीं मिलता है, कोई पीछे नहीं आता, मुस्लिम हुक्मरान सोए हुए हैं। कश्मीरियों ने इंडिजिनस तहरीक चलाई है। पहले तो कोई कह सकता था कि पाकिस्तान से उनकी कोई अखलाकी मदद होती है, सियासी और सिफारती मदद होती है, अब तो वो भी मालूम होता चला जा रहा है। फिर क्यों वो पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं? हमसे लोग लिबरल सेकुलर और दानिश्वरी झाड़ने वाले कहते हैं कॉन्फ्रेंस करने से क्या होता है, वो हमसे पूछते हैं कि कश्मीरी कहां से पाकिस्तान में आएंगे, क्यों तुम इस तरह की बातें करते हो? मैं उन सबको बता देना चाहता हूं, कश्मीरी अगर पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को लहराते हैं, गोली खाते हैं, शहीद होते हैं, पाकिस्तानी परचम में अगर दफन होना पसंद करते हैं तो वो इमरान खान के पाकिस्तान के साथ नहीं, नवाज शरीफ के पाकिस्तान के साथ नहीं, तारिक बाजवा के पाकिस्तान के साथ नहीं, जरदारी के पाकिस्तान के साथ नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पाकिस्तान के साथ है।